देशभर के तमाम बैंकों ने ऑनलाइन और एटीएम से धोखाधड़ी रोकने के लिए ईएम चिप वाले डेबिट कार्ड जारी किए हैं। इससे पहले मैग्नेटिक कार्डों का इस्तेमाल होता था। सभी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के बाद अपने ग्राहकों को फ्री टू चिप वाले एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जारी किए। हालांकि कई बैंक अभी भी जारी कर रहे हैं। वही अब शातिर चोरों ने चिप वाले एटीएम कार्ड से भी धोखाधड़ी करने का तरीका निकाल लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधी एटीएम कार्ड धारकों को फोन कर रहे हैं और लोगों से नया कार्ड लेने के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे में जब कोई शख्स कहता है कि हाँ उसे नया कार्ड चाहिए तो फोन पर बात कर अपराधी अपने आप बैंक कर्मी बताता है। इसके बाद लोगों के पास कॉल करने का वाला ठग कहता है कि आपके कार्ड की जानकारी बैंक में जमा नहीं है। ऐसे में आप अपने कार्ड की पूरी जानकारी दे देते हैं, साथ ही ऐसा नहीं करने पर वह कार्ड बंद कर देने की धमकी देता है। ऐसे में धमकी के बाद कम पढ़े लिखे लोग फिर बुजुर्ग लोग डर जाते हैं और कार्ड की पूरी जानकारी उसे दे देते हैं। इसके बाद वह ठग आसानी से अकाउंट खाली कर देता है। अभी हाल ही में नोएडा में एक शख्स के साथ चुना लगा है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।